सो है यो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। सो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नो ग्रास चैलेंज, यानी कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस चैलेंज में आखिर करना क्या होता है। इसमें हमें ऐसा करना होता है कि हमें ग्रास को बिना टच किए डायमंड ढूंढने पड़ते हैं। स्टार्टिंग तो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, मगर बाद में जो है वो बहुत आसान हो जाता है ये चैलेंज। तो ये होने वाला है आज का चैलेंज। तो यार बिना किसी देरी के इस चैलेंज को भी शुरू करें और इस वीडियो को भी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, मुझे पता है आप लोग ऐसे वीडियो देख कर चले जाते हो और बाद में सब्सक्राइब भी नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। तो जाओ अभी के अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और अब हम जल्दी से जल्दी अपना वर्ल्ड भी जनरेट कर लेते हैं गाइज यार। A few moments later. और गाइस यार लोडिंग शुरू हो चुकी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने माइनक्राफ्ट के पहले चैलेंज के लिए गाइस यार। और ये लोडिंग हो रही है बस थोड़ी सी और डन 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 भाई, अभी कुछ ही देर में हमारा वर्ल्ड जनरेट हो जाएगा। और अभी देखते हैं हम कहाँ पर स्पॉन हुए हैं भाई। अच्छी सी जगह पर हो, अच्छी सी जगह पर गाइस यार। नो, हम ग्रास पर टच हो गए। और यार अभी मुझे नया वर्ल्ड जनरेट करना पड़ेगा, तो मैं अभी जनरेट करके आता हूँ। A few moments later. So guys, यार हमारा वर्ल्ड जनरेट हो चुका है दूसरा, और इस वक्त हम एक पेड़ पर स्पॉन हुए हैं। और जल्दी से जल्दी हमें अपना कर्म, इस गेम का जो है कर्मा धर्मा हमारा जो होता है भाई, वो करते हैं स्टार्ट। वुड कलेक्ट करना, और भाई ध्यान से भाई नीचे ग्रास को टच नहीं करना गाइस यार, टच नहीं करना। मैं अभी आपको थोड़ी देर में वुड कलेक्ट करने के बाद ही मिलता हूँ गाइस यार। A few moments later. सो गाइस यार मैंने बहुत से वुड कलेक्ट कर लिया और थोड़े से अपने लिए टूल भी बना लिए हैं। एक मैंने एक्स बनाया, एक पिक एक्स और एक शवल। तो मैं ऐसे यहाँ तक आया और मैंने वहाँ पर देख ली थी पीछे माइन भी है। अभी हम जल्दी से जल्दी गाइस यार चलते हैं माइन के अंदर। ग्रास को नहीं टच करना गाइस यार, ग्रास को नहीं तो हमारा मिशन इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए। अभी ध्यान से एक तो मेरे को वैसे भी आदत नहीं है ये शवल चलाने की। बच के नहीं तो टच हो जाता। लो जिसका डर था वही हुआ, हमारी शवल भी टूट गई। डेजर को ना मैं यहाँ से थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर देता हूँ और वहाँ उसके पास ही चलकर मिलता हूँ। A few moments later. सो गाइजर हम लोग अपनी माइन के पास आ चुके हैं। और गाइजर मेरे को लग रहा है इधर डायमंड होंगे और नीचे हमारे क्रीपर दादा भी वहाँ इधर साइड हैं। अभी मेरे को नीचे जाना ही पड़ेगा तो ही हमारा जो गोल्ड है, गोल्ड के बोल दिया गोल है, वो कंप्लीट होगा। मैं तो बताना भूल ही गया कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल्ड है फिर से गोल्ड बोल दिया गाइस यार, सॉरी मिस्टेक हो जाती है थोड़ी थोड़ी। हमारा गोल है सिर्फ और सिर्फ डायमंड्स ढूंढना, क्योंकि भाई नेदरराइट तो ढूंढ नहीं सकते, उसके लिए नेदर जाना पड़ेगा। इतनी झंझट मैं नहीं रखता गाइस यार, आप रखते हैं कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताना तो बताओ, वरना मत ही बताओ। बताना भाई मैं क्या बोले जा रहा हूँ भाई, मुझे अपने गेम प्ले पर ध्यान देना है। और मैं इधर से तोड़ रहा हूँ थोड़ा सा स्टोन, ताकि हम वो नीचे जो पानी है उसके अंदर जाकर गिरे। अगर हम मेरे को लग रहा है कि अगर हम बाहर गिरे तो हम मर भी सकते हैं। और लो नीचे क्रीपर दादा आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और पानी उन्हें रोक रहा है। अभी ध्यान से कॉन्सेंट्रेट मैं ये कर सकता हूँ गाइस यार। वो घड़ी आ चुकी है जिसका मुझे इंतज़ार था और मैं जंप मार दिया। नहीं फूटना मत। हाफ हेल्थ से बचे हैं गाइस यार, हाफ हेल्थ से। अभी जोम्बी का बच्चा भी होगा आगे। प्लीज़ ना हो भगवान, प्लीज़ ना हो। पहले इधर स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं भाई। वो जोम्बी का बच्चा किधर गया है? लगता है बेचारा कमज़ोर हड्डी का था इसीलिए मर गया क्रीपर के ब्लास्ट से। इधर साइड थोड़ा सा कोल भी है, अभी हम कोल को भी कलेक्ट कर लेते हैं, तो कि जो हमारी आयरन की पिकक्स है वो बन सके। अभी आप सोचोगे कि कैसे बनेगी, जो माइनक्राफ्ट खेलते हैं उन्हें पता है कि कैसे बनेगी, और जो नहीं खेलते भाई उन्हें अगर तुम गेम खेलना स्टार्ट करोगे तो गाइस यार तो ही तुम्हें पता चलेगी अगर तुमने से किन किन लोगों ने माइनक्राफ्ट नहीं डाउनलोड की ना। तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गाइस यार, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो। सिंपल सी बात है, 1.17 है हमारा। अभी हम नीचे चलते हैं गाइस है, यहाँ पर थोड़ा सा स्टोन भी कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी स्टोन की पिकक्स जो है वो बन सके। थोड़े से स्टोन और ले लेते हैं गाइस यार, और
अभी हम यहाँ पर अपनी क्राफ्टिंग टेबल रखकर इससे हम अपनी स्टोन की पिकैक्स जो है वो क्राफ्ट कर लेते हैं। मैं भाई डायमंड नहीं 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 गाइज़र, ये तो लेपस थी लेपस। भाई इधर आयरन भी, आयरन भाई आयरन को भी कलेक्ट कर लेते हैं। ओके एक आयरन एक रह गया और बस हो गया। और अभी हम चलते हैं वापस अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास। वहाँ जाने से पहले थोड़े से स्टोन भी कलेक्ट कर लेते हैं हम, ताकि हम फर्नेस बना सकें। गाइज़र एक तो इस गेम के कैसे कैसे अजीब नाम है फर्नेस, मेरे से अभी थोड़ी देर पहले बोल ही नहीं हुआ था उसके लिए गाइज़र सॉरी। अभी हम अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास आ चुके हैं और यहाँ हम क्राफ्ट कर लेते हैं अपना फर्नेस, और इससे में हम अपना जो आयरन है उसे स्मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। तो गाइज़र थोड़ा सा टाइम लगा इसे स्मेल्ट होने में, तब तक के लिए वेट ही कर लेते हैं। A few moments later. सो गाइज़र अभी देख लेते हैं कि हमारा आयरन जो है स्मेल्ट हो चुका है। पहले मैं थोड़ा सा उधर देखने गया था क्योंकि उधर साइड देख लेते हैं कि डायमंड वहाँ पर ही हो। तो वहाँ पर तो गाइज़र एक गोल्ड का दाना भी नहीं था। पहले अपनी वाटर बकेट बना लेते हैं और उसके बाद आयरन पिकेक्स। और गाइज़र रात हो रही है, रात समझ रहे हो ना, समझ रहे हो रात रात के वक्त क्या होता है, वही वही होता है गाइज़र जिनसे हम लोगों की बहुत फटती है। क्रीपर, स्पाइडर, स्केलेटन, ज़ोंबी ये सब आ जाते हैं। और थोड़ी टॉर्च भी यार क्राफ्ट कर लेते हैं भाई, अभी रात हो रही है और माइनिंग पे भी जाना है भाई। पहले इधर साइड जो वहाँ पर हमने पार्कोर किया था भाई ड्रीम दादा का, वहाँ से थोड़ा पानी उधार लेकर आते हैं गाइज़र। भाई मैं भी क्या पागल हूँ, मेरे पास जबकि पिकैक्स है मैं हाथ से क्यों तोड़ रहा हूँ। अभी इधर तोड़ लेते हैं कॉस्टोन और ऊपर जाकर हम अपना जो है वाटर ले लेते हैं। आज भाई लग जा टॉर्च और लग गई भाई मेरे को। भाई हमारे हंगर तो भाई कम हो रहा है, हमारे पास तो फूड भी नहीं है गाइज़र खाने को। भाई क्या करेंगे, ऐसे तो माइनिंग हमारी होगी ही नहीं। हमारे पास सिर्फ 2 रोटन फ्लैश है और उससे भी कितना कुछ हो जाएगा। अभी क्या करें, माइनिंग पर ही चलते हैं। किधर है, इधर इधर साइड ठीक लग रहा है मेरे को गाइज़र, क्यों ना यहीं से अपनी माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। जय माता दी, मेरे को डायमंड मिल जाए माता रानी प्लीज़। भाई पहले प्रार्थना कर देते हैं, अभी माइनिंग स्टार्ट करते हैं। अभी भाई पीछे पीछे पीछे, हाँ अभी गिर, जल्दी 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 मेरे को नीचे लेकर चलते हैं, नीचे चलते हैं। और गाइस यार मेरे को बहुत प्यास लगी थी इसलिए मैंने थोड़ी देर पानी पिया, इसीलिए आपको मेरी बेकार कमेंट्री की आवाज़ नहीं आई होगी। और अभी हम स्ट्रेट डिगिंग कर रहे हैं भाई गाइज़र, मैं तो पागल हूँ, मैं स्ट्रेट डिगिंग कर रहा हूँ, आप मत करिएगा अगर आप माइनक्राफ्ट में एक नए प्लेयर हैं। अभी मैं यार गाइज़र यहाँ पर रुकने वाला हूँ स्ट्रेट माइनिंग के बाद, मैं इधर साइड स्टार्ट करता हूँ अपनी माइनिंग। भाई ऊपर रात हो चुकी है भाई गाइज़र, मेरे को लग नहीं रहा कि मुझे डायमंड मिलेगा, लेकिन फिर भी हार नहीं मारनी, नेवर गिव अप गाइस यार। मेरे को माइनिंग करते करते बहुत टाइम हो गया, थोड़ा सा टाइम हुआ है मगर मेरे को एक गोल्ड तक नहीं मिला। हे भगवान, गोल्ड ही मिल जाए, डायमंड ना मिले फिर भी कम से कम एक आशा तो आ जाएगी कि मैंने गोल्ड तो ढूंढ लिया। अभी गाइस यार माइनिंग करते जा रहे हैं हम, खोदते जा रहे हैं। मेरी वुड पिकैक्स के तो लोड़े लग चुके हैं, लोड़े वाह, लोड़े का नाम लिया और गोल्ड भी मिल गया भाई कैसी बातें कर रहा हूँ भाई मैं। अभी गोल्ड नहीं, आयरन के पिकैक्स से तोड़ते हैं हम अपना गोल्ड। एक मिनट भाई गाइस यार, गलती से उस वाले बटन पर क्लिक हो गया था भाई। अभी डायमंड भी मिल ही जाएंगे, अभी मेरे को लग रहा है कि भाई गाइस यार डायमंड मिलेंगे ही मिलेंगे मेरे को। और भाई इधर साइड तो बहुत गोल्ड है,
गोल्ड को कलेक्ट कर लो, कलेक्ट कर लो, कलेक्ट कर लो। भाई मेरे को स्टार्टिंग में बहुत उस ज़ॉम्बी के बच्चे पर दुबाई, भाई वो हमें मारना चाहता था पर क्रीपर दादा फूट गए और वो बेचारा मर गया। अभी इधर गोल्ड और है, अभी से भी तोड़ लेते हैं, ये आयरन को भी ले लेते हैं गाइस, यार ज़रूरत पड़ सकती है। लो आयरन के पीछे और गोल्ड मिल गया, वाह क्या लाइफ है। और भाई बेड रॉक आ गया, बेड रॉक क्यों ना से तोड़ने की कोशिश करें। नहीं यार ये टूटेगा ही नहीं गाइस, यार ये बेड रॉक क्यों नहीं टूटता। अभी हम ऊपर ही चलते हैं गाइस यार, क्योंकि इतना गोल्ड हमें करना क्या है, जबकि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो हमें मिल नहीं रही। भाई गाइस यार बच्चे बाहर पटाखे चला रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी हरामजादे। भाई लावा, मैं आगे से बच्चों को गाली नहीं दूंगा, ये भगवान मैंने बच्चों को गाली दी और सामने से लावा प्रकट हो गए। ओ माय गॉड, आज पता चला कि कभी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। भाई गाइजर अब क्या करें, और डे भी हो गया, ऊपर चलते हैं गाइजर, और क्या कर सकते हैं। अभी हम ऊपर चलते हैं और मेरे को भूख भी बहुत लगी है गाइस यार, हमारे पास तो फूड ही नहीं सिवाय उस रॉटन फ्लैश के। अभी हम क्या करें क्या करें, जो हमारा गोल्ड है उसे स्मेल्ट होने के लिए रख देते हैं, क्यों ना भी क्या करें। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा गोल्ड को रखें कि क्या करें, गोल्ड को ही रख देते हैं गाइस यार, गोल्ड को ही। लो मेरे को इसकी जरूरत नहीं, नहीं नहीं इसकी ज़रूरत है, जल्द जरूर भाई आ जा आ जा आ जा, जा, जा नहीं 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 भाई मेरे से आ क्यों नहीं रही, आ क्यों नहीं रही, आ क्यों नहीं रही, आ जा भाई आ जा। लो जिसकी चीज़ की ज़रूरत थी वो गई। भाई क्या लाइफ है मेरी भगवान, ऐसी लाइफ से अच्छा तो मैं किसी, भाई इतनी अच्छी लाइफ थी है गेम के चलते मैं ऐसे अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। कौन सा भाई, मैं अपने लक्ष्य से भटक रहा हूँ, मेरे को भटकना नहीं है, भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना है। अभी मैं स्टिक्स हुई, अभी मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हो से क्यों रूंगा क्या, एक मिनट अभी देख लो मैं क्या करने वाला हूँ हो से अपने। मेरे पास एक वीट है, जो भी उसे बोलते हैं भाई, मेरे पास वो एक ही है सिर्फ, अभी उसी का सहारा है सीड, सॉरी इसका सीड है, सीड इसका नाम सीड है। अभी रोटन फ्लैश ही खा लेते हैं गाइजर, और तो कुछ होने नहीं वाला जब तक। भाई ये मशरूम खा सकते हैं हम, तोड़ के दिखते हैं भाई गाइजर खा सकते हैं। लो भाई इनका क्या क्या है फिर हमारी गेम में, भाई गाइजर ना मशरूम ना हम इन्हें खा सकते हैं, ना ये किसी क्राफ्टिंग रेसिपी में आते हैं, आते होंगे मेरे को नहीं पता, मैं नूब हूँ इस वक्त गाइस। यार क्या करें क्या करें, इधर से उधर, उधर से इधर, और हमारे गोल्ड भी स्मेल्ट हो चुके हैं तीन। अभी हम अपने गोल्ड की पिकेक्स तो बना सकते हैं गाइजर, ये रही गोल्ड की पिकेक्स, और हमारी एक गोल्ड की पिकेक्स भी बन चुकी है। वही दोबारा से चलते हैं गाइस यार माइनिंग पे, पर उससे पहले इसे इसके उगने की वेट करते हैं गाइस यार थोड़ी देर के लिए। वन आवर लेटर, सो गाइस यार काफ़ी देर बाद ये हमारी उग चुकी है, और पता नहीं इधर इसके अंदर एंडरमैन कहाँ से आ गया। भाई एक मिली, दो और चाहिए, इसे भी लगा देते हैं। भाई तब तक क्या करें, भाई क्या करें, भाई मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करें क्या करें क्या करें। भाई उधर साइड जाकर आते हैं, भाई मैंने इधर साइड नहीं चेक की थी जब मैं पानी लेने आया था, तब से मैंने अब तक इधर कुछ देखा नहीं था, शायद इधर हो सकते हैं ऊपर की तरफ। नहीं गए सर, खाली है इधर तो खाली। भाई गए सर नीचे चलते हैं वापस से माइनिंग पे, ये रहा दरवाज़ा हमारा स्टोन का, अभी इसे तोड़ते हैं। अभी मेरे को कोई डर नहीं स्ट्रेट डिगिंग का भाई, फिर से
भाई मेरी इतनी तोतली जबान हो चुकी है भाई, मेरे को अभी कम तली हुई चीज़ें खानी पड़ेगी, बहुत जबान फिसल रही है मेरी अभी। मेरे को कोई डर नहीं स्ट्रेट डिगिंग का, क्योंकि अभी मेरे को पता है कि मैंने वहाँ पर सरफेस बना दिया है, मैं वहाँ तक माइनिंग करूँगा जब तक रेडस्टोन नहीं आता। और ये रहा, यहाँ रेडस्टोन आ चुका है हमारा, और उधर सर तो गजर लावा था भाई। अभी हम इसकी ओपोजिट साइड ही करते हैं अपनी माइनिंग। चलो भाई गेजर माइनिंग करते हैं। वही इस गेम का दूसरा रूल्स रूल, पहला रूल वुड तोड़ो, दूसरा माइनिंग करो भाई, तीसरा हो सकता है, दूसरा हमारा होता है कि बेड बनाओ। A few moments later. गेजर मेरे को माइनिंग करते करते काफ़ी देर होगी, लेकिन अभी तक मुझे डायमंड्स क्यों नहीं मिले। 1 hour later. गेजर मेरे को माइनिंग करते करते काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन अभी तक मुझे डायमंड्स ही नहीं मिले। तो बार बार ये स्टोन आयरन गोल्ड मिल रहा है, लेकिन अभी तक मेरे को डायमंड्स क्यों नहीं मिले। गाइस यार, हे भगवान, मेरे को डायमंड मिल जाए प्लीज़ भगवान। डायमंड मिल गए गाइस यार, गाइस यार मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, मेरे को डायमंड मिल गए, डायमंड मिल गए गाइस यार। अब तोड़ो भाई, जल्दी से जल्दी तोड़ो। और मेरे मेरे को भूख भी कितनी लगी हुई है भाई गेम के अंदर, मेरा हंगर बार देखो कितना कम हो चुका है भाई। गाइस यार जल्दी से जल्दी तोड़ो इन्हें। और हमारे मेरा गोल गोल कंप्लीट गाइस यार, मेरा गोल कंप्लीट हो चुका है, और मेरा चैलेंज भी गाइस यार फाइनली। मेरे को काफ़ी खुशी हो रही है कि मेरा चैलेंज जो है वो कंप्लीट हो चुका है भाई, मैं बता नहीं सकता कि मेरे को कितनी खुशी है हो चुकी है कि मेरी माइनक्राफ्ट की जो पहली चैलेंजिंग वीडियो थी और मैंने पहला ही चैलेंज अपना कंप्लीट कर लिया। गाइस यार मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मेरे को डायमंड मिल चुके हैं। गाइस यार डायमंड समझ सकते हो ना गाइस यार, 4 डायमंड भाई, 4 डायमंड। मैं अपने दूसरे वर्ल्ड में खेलता हूँ, मुझे अभी तक सिर्फ और सिर्फ 9 डायमंड मिले हैं, 9 एक साथ नहीं, एक वो भी मेरे को नेदर में, एक नेदर नेदर नहीं भाई गाइस यार क्या कहते हैं उसे, हाँ वुडलैंड मेंशन, वुडलैंड मेंशन वहाँ से मुझे मिले थे डायमंड। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर देना, वो जो पास का नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑल पे प्रेस कर देना। और हाँ, जाते जाते एक बार और सुन लो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जो है उसे भी ज्वाइन कर लेना। और हाँ, माइनक्राफ्ट डाउनलोड करना मत भूलेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।